नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। दोस्तों, आज है सोमवार। सोमवार का दिन मतलब भगवान शिव का दिन, और ये अभी चल रहा है सावन में। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसको अगर आप रोज, ज्यादा नहीं तो 11 बार बोलें, रोज 11 बार बोलें, सोमवार से शुरू करें पूरा महीना। सुबह जब आप सो करके उठते हैं तब, या दोपहर को या शाम को, सुबह और शाम दोनों में से अगर एक टाइम आप पसंद करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। रात को अगर आप बोलते हो तो बराबर रात को 11 बजे आप इस मंत्र को 11 बार बोलो एवरी डे। आप देखेंगे भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर उतरेगी, असीम कृपा उतरेगी। भगवान शिव सपरिवार आपके घर में विराजमान होंगे। अगर आप मन से करते हैं तो, फिर ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया, ठीक है एक फॉर्मेलिटी थी कर दिया। पूजा पाठ उपाय ये जितनी भी चीजें हैं अगर मन से की जाएंगी तो इसका रिजल्ट ही कुछ और आता है। करने को कर दिया तो वो बात नहीं जमती जो होनी चाहिए। इस मंत्र को आप बड़े ध्यान से सुने, इस मंत्र को बोले, और जहां पर भी आपका पूजा स्थान है, जहां भी आपने शिवलिंग रखा है, वहां पर एक घी का दिया जला दें, अगरबत्ती और थोड़ी सी मिठाई रख दें। मंत्र बड़े ध्यान से सुने। शंकर शंकर काशी के वासी, क्या है? शंकर शंकर काशी के वासी, अरज हमारी दरस दिखाओ, अरज हमारी दरस दिखाओ, गौरा संग आओ, अरज हमारी दरस दिखाओ, गौरा संग आओ, दोनों सुत संग लाओ। पूरे परिवार को इसमें बुलाया जा रहा है, गौरा संग आओ, दोनों सुत संग लाओ, दारिद्र काटो, रोग काटो, शत्रु हरो, भंडार भरो। सब कुछ इसमें भगवान शिव से मांग लिया गया है। ना करो तो राजा राम की दुहाई, है ना? फिर से बोलती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। शंकर शंकर काशी के वासी, अरज हमारी दरस दिखाओ, गौरा संग आओ, दोनों सुत संग लाओ, दारिद्र काटो, रोग काटो, शत्रु हरो, भंडार भरो, ना करो तो राजा राम की दुहाई। 11 बार इस मंत्र को अगर आप बोलते हैं, भगवान शिव की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। जिनके शरीर में तकलीफ है, रोग जा नहीं रहा है, 11 दुर्वा हाथ में लेकर के इस मंत्र को 11 बार बोल करके सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में भगवान शिव को अर्पित कर दे, शिवलिंग पर चढ़ा दे। आप देखेंगे बड़े बड़े रोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। जरूर करें इस उपाय को। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपायों को करते रहे और हमेशा खुश रहे। जय श्री कृष्ण।